नमस्कार, मैं हूं उदयशंकर। न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो मुख्य सचिव हैं एल ख्यांगते और जो प्रभारी डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, उन दोनों से जवाब मांग लिया है। पूरा मामला ये है कि जुलाई महीने में अनुराग गुप्ता को डीजीपी का प्रभार दे दिया गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आप प्रभार में किसी को डीजीपी का पद कैसे दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही गाइडलाइन जारी की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए इस मामले में अब सरकार के इस फैसले पर उंगली उठ रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रोसेस है उसका पालन नहीं किया गया है। डीजीपी की जो नियुक्ति होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट का सीधा गाइडलाइंस है कि किसी भी राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के 2 वर्ष के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा या उससे पहले उनके सेवा समाप्ति हो जाती है, यानी कि वो रिटायर कर जाते हैं, वैसे परिस्थिति में डीजीपी का जो है वो बदलाव किया जा सकता है। लेकिन किसी भी डीजीपी की प्रतिनियुक्ति होती है और बीच में जो उन्हें हटा दिया जाता है, तो ऐसे में प्रभारी डीजीपी की जो नियुक्ति होती है उसे एक तरह से याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि भाई आप हमें जवाब दें, जो प्रभारी डीजीपी बने हैं अनुराग गुप्ता उन्हें, और जो मुख्य सचिव हैं एल ख्यांगते उन्हें एक तरह से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि बीच में ही जो पहले से डीजीपी नियुक्त थे उन्हें अचानक हटाया जाता है और प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति की जाती है। किसी भी डीजीपी का जो कार्यकाल खत्म होता है उससे पहले ही जो उनके वरीयता के आधार पर जो अधिकारी वहां मौजूद होते हैं उनकी सूची भेजी जाती है और तब जो है उसमें से चयन कर डीजीपी की नियुक्ति। जब जुलाई के महीने में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया उस वक्त विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे और इस बात पर खूब चर्चा भी हुई थी कि आखिर अचानक डीजीपी क्यों बदले गए। अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया था, यानी उनका कार्यकाल 2025 में पूरा होता, और अगर उससे पहले आप हटाते हैं तो भ्रष्टाचार का मामला हो, गंभीर कोई मामला हो, या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में वर्तमान डीजीपी असमर्थ हो, ऐसी कंडीशन में आप उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन यहां झारखंड सरकार ने जुलाई में अजय कुमार सिंह को हटा दिया 2 साल पूरा होने से पहले। लगता है इसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई गई है और अब जवाब मांगा गया है। मदन, बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां ऐसी ही बनती है कि आखिर अगर आप बीच में ही जो पहले से तैनात अधिकारी होते हैं उसके अगर आप बाय फोर्सली उन्हें हटाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई कॉज देना होगा कि आप आखिर किस आधार पर उनकी प्रतिनियुक्ति को आप हटा रहे हैं। तो अब जो यहाँ पर प्रभारी डीजीपी बने हैं उनको लेकर के लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़ा करती रहती थी कि एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी को रातों रात बदल दिया जाता है, ऐसी तुगलकी फरमान आखिर सरकार क्यों चला रही है। ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था पहले से ही ध्वस्त है और इस तरह के अधिकारी जो प्रभारी डीजीपी बने हैं उन पर आरोप लग रहा था कि अगर ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलेगी तो कहीं ना कहीं राज्य में जो है कानून व्यवस्था और बिगड़ेगा। तो ऐसे की इसी के खिलाफ जो एक याचिका दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, तब उसमें सुनवाई के बाद जो है अब सीधे तौर पर मुख्य सचिव और जो प्रभारी डीजीपी हैं उनसे जवाब तलब किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव से पहले क्या डीजीपी को यहां से हटाया जाता है, बदलाव किया जाता है, या फिर जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो। चलिए, इस नोटिस के बाद झारखंड सरकार जो जवाब देगी उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होती है और क्या आगे आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बायस्कोप। नमस्कार।